नमस्कार दोस्तों, पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत वायरल हो रही है और वो है आम आदमी पार्टी का अंदरूनी एक विवाद। अंदरूनी विवाद भी कह सकते हैं और एक फेक न्यूज भी कह सकते हैं, क्योंकि इस न्यूज के बारे में अभी तक कहीं से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। दरअसल एक खबर चली है और इस साइट का नाम, अगर जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से, है newsloose.com। नाम से ही साइट अजीबोगरीब लग रही है, संदिग्ध लग रही है। इसका एक स्क्रीनशॉट मैंने सोशल मीडिया पर देखा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ विधायकों के बीच में मारपीट हुई है। घटना का विवरण कुछ इस तरह से दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर एक मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग में सारे विधायक मौजूद थे, कुछ विधायक मौजूद थे, सारे तो नहीं, और चर्चा इस बात पर हो रही थी कि कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन किया जाए या नहीं, सीट शेयरिंग कैसे की जाए। इसमें कुछ विधायकों ने विरोध किया, अरविंद केजरीवाल को गुस्सा आ गया, गाली गलौच हो गई। एक विधायक ने आगे बढ़कर अरविंद केजरीवाल को घूंसा मार दिया और घूंसा मारने के साथ ही अरविंद केजरीवाल का चश्मा उतर कर नीचे गिर पड़ा और उसके बाद जो बाकी के विधायक थे उन्होंने बीच बचाव किया वहाँ पर आकर। तो ये खबर खूब सोशल मीडिया पर चल रही है। कल मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे लगा था कि किसी ने मजाक किया है, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पर इसकी ट्रैकिंग शुरू की तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आने लगे कि मुझे लगा कि यार इसमें कहीं कुछ सच्चाई तो नहीं है। अब देखिए, अगर किसी मामले को लेकर कुमार विश्वास जैसा आदमी, जिसके नाम के साथ ही विश्वास जुड़ा हुआ है, अगर कोई कमेंट कर रहा है तो उसमें कुछ बात तो है। इसका मतलब किसी को कहीं से कुछ ना कुछ हिंट तो ज़रूर मिली है। अब जैसे कि कुमार विश्वास ने एक ट्वीट किया कि भाई विधायकों का जो काम है वो अपनी जन समस्याएं लोगों तक पहुंचाना है, मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है, और उन्हें लिखित काम करना चाहिए, फिजिकल काम नहीं करना चाहिए, फिजिकली इसका मैसेज नहीं देना चाहिए। उन्होंने एक तरह का इसमें व्यंग किया अरविंद केजरीवाल पर। कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल की जो संबंध हैं वो सबको पता है कि बहुत समय से खट्टे हैं। केजरीवाल वो पार्टी एक तरह से छोड़ चुके हैं और केजरीवाल से वो नाराज़ रहते हैं। केजरीवाल के विरोध में जितने भी ट्वीट और वीडियोस या न्यूज़ चलती हैं उन्हें लाइक करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। लेकिन कुमार विश्वास का ये ट्वीट मुझे संदिग्ध लगा कि कहीं कुमार विश्वास को विश्वास तो नहीं हो गया है इस न्यूज़ पर। बहरहाल मैंने और ट्रैकिंग की इसकी और कई सूत्रों से जानने की कोशिश की, कुछ पत्रकारों से बात की दिल्ली में। उन पत्रकारों का कहना था कि भाई इस बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना कोई पुलिस रिपोर्ट हुई है कि केजरीवाल सीएम के आवास पर कोई मारपीट हुई हो, क्योंकि जिस समय ये मीटिंग हो रही थी, बंद कमरे में मीटिंग हो रही थी और उस समय किसी का बॉडीगार्ड भी अंदर नहीं था, यानी कि यही 10-15 लोग थे अंदर, तो ऐसे में कोई रिपोर्ट भी नहीं करा रहा है। और अगर कोई विधायक या केजरीवाल रिपोर्ट कराते हैं तो ये खबर लीक हो जाएगी। फिलहाल इसे फेक न्यूज़ की तरह से ही हैंडल कर रही है पार्टी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के दुश्मन तो बहुत हैं और एक उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं विधायक उनके कपिल मिश्रा, जो पार्टी से बागी हो चुके हैं और पिछले 2-3 साल से लगातार केजरीवाल पर हमले कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने कपिल मिश्रा के ट्वीट चेक किए, कपिल मिश्रा ने लाइन लगाई हुई है इस घटना को उछालने में। कपिल मिश्रा का एक जरा एक ट्वीट देखिए, उन्होंने एक ट्वीट किसी का शेयर किया है, उसमें लिखा है, हमें तो अपनों ने कूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी हड्डी भी वहाँ टूटी जहाँ मोहल्ला क्लिनिक बंद था। उन्होंने पूरा व्यंग किया है उन पर। और साथ ही साथ इस तरह के कई और भी ट्वीट्स हैं, मैंने स्लाइड्स में लगाए हैं, आप देखिए। कुमार विश्वास का ट्वीट है, कपिल मिश्रा का ट्वीट है, कुछ दूसरे लोगों के भी ट्वीट हैं जो इस प्रकरण के बारे में खूब संदेह की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि भाई क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। बहरहाल अगर कड़ियों को जोड़ा जाए इस घटना की, तो कड़ियाँ कुछ ना कुछ होने की संकेत देती हैं। जैसे क्या, पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली में पर्चे भरने का काम चल रहा है और आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं, कल अंतिम डेट थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी के साथ नज़र नहीं आए, मनीष सिसोदिया नज़र आए, गोपाल राय नज़र आए, अरविंद केजरीवाल कहीं नज़र नहीं आए। पिछले 2-3 दिन से कोई ट्वीट नहीं आया है उनका, पार्टी की किसी सभा में दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी मीटिंग में दिखाई नहीं दे रहे हैं,
कुछ लोगों का कहना है कि वो लड़खड़ा कर चल रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है घर से इसलिए नहीं निकल रहे हैं, बीमार हैं, लेकिन ये सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर सबको लिंक किया जाए तो इस घटना की पुष्टि कहीं ना कहीं से तो होती हुई नज़र आ रही है कि आखिर केजरीवाल 3 दिन से हैं कहाँ, निकले क्यों नहीं हैं। और फिर आम आदमी पार्टी का पुराना रिकॉर्ड रहा है, अब अंशु प्रकाश प्रकरण को याद कीजिए, एक IAS अधिकारी को बुलाकर विधायकों ने किस तरह से पीटा था केजरीवाल के आवास पर, उसमें CCTV फुटेज भी सामने आई थी, मामला चल रहा है। इसके अलावा केजरीवाल, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया पर डिफेमेशन का केस चल रहा है, उसमें नॉन अवेलेबल वारंट हो गए हैं इनके, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कहीं चल रहा है। और अरविंद केजरीवाल ना इसकी पुष्टि कर रहे हैं ना इसका खंडन कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की इसके अलावा एक फेक न्यूज़ और चल गई है, उसमें व्हाट्सएप पे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं, उनमें एक संदिग्ध फेक मतलब सटायर टाइप का एक व्यंग बनाया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, इनके बीच में कैसा कन्वर्सेशन हो रहा है। और ऐसा कन्वर्सेशन जब होता है तो भाई झगड़ा तो होता ही है। बहरहाल ये न्यूज़ सच है या गलत है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और हालात संकेत कर रहे हैं कि गठबंधन को लेकर दिल्ली में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में ज़बरदस्त रिफ्ट है, बंटवारा हो रहा है और मतभिन्नता है इस बात को लेकर। हम इस मामले पर आगे भी नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।